नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब से मैं कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो अपलोड करूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन का ये जो पार्ट होगा 15वां पार्ट है। इससे पहले 1 से लेकर 14 पार्ट मैं ट्रांसलेशन के अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रांसलेशन का। फर्स्ट हमारे पास है, भारत में हर साल घरेलू हिंसा की 3 मिलियन से अधिक घटनाएं होती है। इसका मतलब है कि हर 9 सेकंड में एक महिला को उसके घरेलू साथी द्वारा पीटा जाता है। कई महिलाएं हैं कि जो अपने साथियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर चुप रहती है। दुर्व्यवहार प्राप्त करने पर चुप रहने के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं और मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। कई महिलाएँ इस तथ्य के महत्व को नहीं पहचानती है कि उनके साथी द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है या नहीं। इस हर महिला एक स्वस्थ रिश्ते की हकदार है। एक स्वस्थ रिश्ते में दूसरे व्यक्ति के लिए विश्वास, सम्मान और विचार शामिल होता है। तो ये थी आपकी हिंदी, अब आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्रांसलेट करने की ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखना। तो चलिए हम देखते हैं ट्रांसलेशन 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कैसे करनी है। फर्स्ट लाइन हमारे पास है, भारत में हर साल घरेलू हिंसा की 3 मिलियन से अधिक घटनाएं होती है। देयर आर मोर देन 3 मिलियन इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एवरी ईयर इन इंडिया। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि एवरी 9 सेकंड्स ए वुमेन इज़ बीटन बाय हर डोमेस्टिक पार्टनर। हर 9 सेकंड में एक महिला को उसके डोमेस्टिक पार्टनर या घरेलू साथी द्वारा पीटा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है, कई महिलाएं हैं जो अपने साथियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर चुप रहती है। देयर आर मैनी वुमेन हु रिमेन साइलेंट वैन देयर मेट्स अब्यूज दैम। द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ बींग साइलेंट ऑन गेटिंग अब्यूज, कॉन्सिक्वेंटी मतलब परिणाम, ऑन गेटिंग बींग अब्यूज कैन बी डेंजरस एंड कैन ऑल्सो कोज डेथ। दुर्व्यवहार प्राप्त करने पर चुप रहने के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं और मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, कई महिलाएं इस तथ्य के महत्व को नहीं पहचानती है उनके साथी द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है या नहीं। मैनी वुमेन डू नॉट रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट डैट देयर पार्टनर्स इज बीइंग अब्यूज्ड और नॉट। मतलब कई महिलाएं इस तथ्य को नहीं पहचान पाती है, डू नॉट रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट डैट उनके पार्टनर के द्वारा उनको अब्यूज किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है, हर महिला एक स्वस्थ रिश्ते की हकदार है। एवरी वुमेन डिजर्व्स ए हेल्दी रिलेशनशिप। एक स्वस्थ रिश्ते में दूसरे व्यक्ति के लिए विश्वास, ए हेल्दी रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड थॉट, विश्वास, सम्मान और विचार फॉर द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के लिए विश्वास, सम्मान और विचार शामिल होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। तो ये थी आज की ट्रांसलेशन जो आपकी अब्यूज़ पर थी, वुमेन अब्यूज़ पर। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब से मैं कोशिश करूँगा डेली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूँ। और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हो, उस कमेंट पर या उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।